फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी नई चूड़ियों का कलेक्शन, मैंने नई बैंगल्स जो ली थी तो वो आपको नहीं दिखाई है, तो आज मैं वो दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, और बहुत दिनों से मैंने इस हाथ में एक ही ये बैंगल पहनी है और एक हाथ में ये, तो ये मेरी एक बैंगल इस हाथ की टूट गई थी, तो बहुत दिनों से भूल ही जाती हूँ मैं इस हाथ में बैंगल पहन। जब भी काम करती हूँ, देखती हूँ हाथ, तो याद आता है और फिर भूल जाती हूँ। तो आज सोचा कि चलो पहन भी लेती हूँ और आप सबको दिखाती भी हूँ कि मैंने नई नई चूड़ियाँ कौन सी ली है। और आज का वार है शनिवार और सुबह के बजे है 12:15। आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, मतलब कि दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज उनको ऑफिस जाना पड़ा, छुट्टियाँ नहीं है अभी। तो चलिए, अभी हम लोग, थोड़ा सा काम मेरा हो चुका है, अभी थोड़ा बाकी है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा कौन सा काम हो चुका है और कौन सा बाकी है, और फिर आपको दिखाऊंगी मैं अपनी नई। यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, ये मैंने आटा गूंद कर रख लिया है। मैं रोटी बनाने वाली थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी देर के बाद बनाओ, मैं ऑफिस से अभी आता हूँ उसके बाद। और अभी ये देखिए, इतने मेरे बर्तन अभी धोने बाकी है, मैंने अभी झाड़ू लगा लिया है और थोड़े से ये मुझे आज गोदड़ी धोनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मशीन पर रख ली है। और ये चादर भी मुझे धोनी है, तो ये दोनों मैंने अभी यहाँ पर रख लिया है। तो देखिए गाइस, ये है मेरी पुरानी जो चूड़िया थी, वो है जो जिससे मैंने इस तरह से इसमें रख लिया है चूड़ी की बॉक्स में। तो ये सब तो आपको मैंने दिखाया था, मैंने पहले एक स्पेशल व्लॉग बनाया था इसका, चूड़ियों का, मेरी चूड़ी कलेक्शन का। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियाँ तो मैंने अभी फेंक भी दी है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको एक नया कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ मेरी चूड़ियों का। तो ये रही, देखिए, फ्रेंड्स, ये है मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। इसमें तो ये है ग्रीन कलर की, और ये राजपूती जब हम पहनते हैं चूड़ियाँ ये सब, तो उसके आगे हम ले, कोई पीछे पहनता है, कोई आगे पहनता है, तो इस तरह से ये, तो ये तो पुरानी है। और मैंने जो नया नया अभी चूड़ा लिया है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा जो चूड़ा है, ये टाइम तो बहुत हो गया, मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी तो उस वक्त हमने जो ख़रीदी करने के लिए हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से हम सब ने लिया था, लेकिन अभी शादी तो नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना की वजह से रद्द की कर दी। तो देखिए, ये पूरा चूड़ा है ये इस तरह से, तो आपको मैं एक बार हाथ में पहन कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हाथ में पहन लिया है, तो कैसा लग रहा है मेरे हाथों में आप कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, एक ये चूड़ा मैंने एक लिया है इस तरह से, ये दो हाथ के हैं, एक हाथ का ये और एक हाथ का ये, देखिए। और ये सिर्फ मुझे पड़ा है, आप सोच नहीं सकते, ये सिर्फ मुझे 300 रुपये में पड़ा है ये पूरा चूड़ा, देखिए। इसके बाद अब ये है, ये भी मैंने नई ली है चूड़ियाँ, ये चार मैंने चूड़ियाँ ली हैं। तो देखिए, ये इस तरह से है, इस तरह से, ये यहाँ पर ये मोती है और यहाँ पर ये डायमंड लगे हुए हैं, और दिखने में इतनी प्रिटी लग रही है। तो आप इस दोनों के बीच में और भी चूड़ियाँ डाल सकती हो, और नहीं डालना है तो आप ऐसे ही पहन सकती हो, दो दो करके यहाँ इस तरह से। ये जब हम पोशाक पहनते हैं तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है पहनने में, हमें, हम राजपूती पोशाक जो पहनते हैं ना, उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है ये।
तो ये मुझे 200 रुपये में चार मिली है। ये देखिए इस तरह से है। फिर एक ये भी लिया है, ये बैंगल्स भी लिया है। ये देखिए ये कुंदन, यहाँ पर कुंदन वर्क कर दिया गया है और यहाँ पर इस तरह से। और ये मैंने अपने पोशाक के उसमें लिया है, मेरा पोशाक मैंने अभी नया नया जो लिया है राजपूती पोशाक, तो ये इस कलर में मैंने लिया है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। और इसके आगे पीछे मैं ग्रीन कलर की डाल दूँगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए ये भी लिया है, तो मुझे ये पड़ा है, ये भी 200 रुपये मुझे पड़ा है। फिर एक ये भी है, ये तो बस घर में पहनने के लिए ही मैंने ली थी, तो अभी मैं पहन लूँगी इसे। और ये है, ये साड़ी पर बहुत अच्छी लगती है, ये बैंगल्स साड़ी पर जब भी पहनते तो बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी शादी की है, ये बैंगल्स जो है, आज 15 साल होने आए मेरी शादी को, 14 साल पूरे हो गए, 15वां साल चल रहा है। तो देखिए ये मेरी शादी की है ये चूड़िया, ये छोटी बड़ी 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 ऐसी आती है ना, वैसी है ये। और फिर एक ये है, तो ये भी बहुत थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये कब की है, मेरी मम्मी लाई थी। और ये देखिए ये मोती वाला, ये भी आप साड़ी पर या ड्रेस कुछ भी सलवार पहनते हो बहुत अच्छा लगता है इस पर ये। और ये जब भी हम जो चूड़ा पहनते हैं ना, ये जो जब भी मैं ये चूड़ा पहनूंगी तो इसके पीछे ये हम पहनते हैं, ये राजपूती ये बैंगल्स है। और एक ये भी है जिस पर ये देखिए ये बने हुए हैं और कुंदन वर्क करा हुआ है इस पर, ठीक ये भी है। और ये मेरी बेटी की बैंगल्स है, ये ब्लैक एंड वाइट। और ये भी मेरी बेटी की बैंगल्स मैंने ले ली है, अभी उसकी जो मैंने रजवाड़ी जो सिलवाया है अभी बनाया है उसके लिए मैंने नया। ये देखिए रोज़ बने हुए हैं यहाँ पर रेड कलर के और ग्रीन कलर के, और बीच में डायमंड दिए गए हैं, तो बहुत प्रिटी है ये भी। तो ये मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी का माप मेरे से बहुत बड़ा है, सोचिए आप। मैं 2-2 की बैंगल्स पहनती हूँ और मेरी बेटी को चाहिए 2-4 की बैंगल्स, सोचिए। तो ये एक ये, फिर ये रेड वाली, और ये पूरा चूड़ा, और ये मेरी बेटी के लिए ये, और ये सारे मैंने नए लिए हैं अभी। तो आपको मेरी बैंगल्स कैसी लगी कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बंगड़ी बॉक्स भी मैंने बहुत कम दामों में लिया था, ये दोनों बंगड़ी बॉक्स मिलाकर मैंने 150 रुपये में दोनों लिए थे। इस तरह से ये है प्लास्टिक, मतलब होता है ना ऐसा है ये, देखिए। तो ये और दूसरा दिखाया आपको, दोनों मिलाकर मैंने 150 रुपये में दो ले लिए थे बंगड़ी बॉक्स। और अभी मैं पहनूंगी ये बैंगल्स, देखिए ये दो हाथों में पहन लूंगी ग्रीन कलर की। तो कैसी लगेगी मेरे हाथों पे ये आपको दिखाती हूँ, मैंने पहन ली है दोनों, तो बताइएगा कि ये कैसी लग रही है मेरे हाथों में। तो ये घर में पहनने के लिए ही मैंने पहन ली है। और हम लोग कोई भी आगे हम कोई भी चूड़ी पहने, लेकिन हम पीछे इस तरह की वाइट कलर की चूड़ी पहनते ही हैं। हमारे राजपूती में कहते हैं कि जब भी हम चूड़ी निकालते हैं तो पूरा हाथ खाली हो जाता है, तो ये जो बैंगल्स है, जो चूड़ी है, वो हमारे हाथों में से निकलती नहीं। कुछ भी हो, हम मेहंदी लगाते हो या कुछ भी हो, लेकिन हम ये चूड़ी नहीं निकालते जो वाइट कलर की है। हम दूसरी बदलते रहते हैं लेकिन इस तरह से ये नहीं निकालते। हाँ टूट गई, कभी कभार टूट जाती है तो हम उसे बदल लेते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम हाथों में कपड़ा डालकर फिर हम चूड़ी उतारते हैं। और इस तरह से ये जो वाइट कलर की चूड़ी पहनी होती है तो हम ऐसे ही चूड़ी पहन सकते हैं। तो देखिए, तो कैसी लगी आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, नई चूड़ियों का।
तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, कितनी गर्मी हो चुकी है मुझे, क्योंकि मैं यहीं पर इसी रूम में बैठ चुकी थी आपको दिखाने के लिए बैंगल्स। तो कैसी लगी आपको मेरी बैंगल्स चूड़ियाँ? मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन। और ये नई चूड़ियों का कलेक्शन है, आपको मेरी जो भी सारी जो चूड़ियाँ है उसका उसको देखना हो तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अब एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं आपको ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी।